आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लेबर कार्ड कैसे बनाएंगे। लेबर कार्ड का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अगर आप भी लेबर कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप भी बिल्कुल फ्री में घर बैठे आप लेबर कार्ड बना सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप घर बैठे लेबर कार्ड बनाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको कहीं भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, या आपसे कोई घूस मांगता है तो आपको वो भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है लेबर कार्ड बिल्कुल फ्री में घर बैठे आप बना सकते हैं। तो लेबर कार्ड कैसे बनाया जाता है ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप घर बैठे आप लेबर कार्ड के लिए आप अप्लाई करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दिया हूं, जिस लिंक पर जाने के बाद डायरेक्ट आप इस पोर्टल पर ओपन हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहां इंग्लिश में है, आप इसको हिंदी में करने के लिए यहां पर हिंदी वाला जाएगा तो यहां से आप इसको ऐसे कीजिएगा तो ये हिंदी में ये ऑटोमेटिक देखिए ये हिंदी हो गया। अगर आप इसको इंग्लिश में करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर इसको इंग्लिश में कर दीजिएगा तो ये इंग्लिश में हो जाएगा। इसके टर्म एंड कंडीशन थोड़ा नीचे में बता देता हूँ। यहाँ डैशबोर्ड यहाँ दिया हुआ देख रहे हैं, टोटल रजिस्ट्रेशन आपको इतना हुआ है 64.10 लाख हो चुका है। यहाँ रजिस्टर्ड जो लेबर है 2020-21 में 11.81 लाख हो चुका है। टोटल रिवार्ड लेबर है इतना 30.46 लाख और टोटल रिवार्ड लेबर इतना हो गया 2021 में। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ट्रांसफ़र जो है अमाउंट अभी तक हो चुका है 2021 के लिए देख रहे हैं 2,79.89 करोड़ में है। तो इतना अभी तक इसको जो वितरण किया जा चुका है लेबर को। यहाँ कुछ देख रहे हैं कि कुछ हायर डैशबोर्ड का दे रखा है और यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ये करंट ईयर में ये ग्राफ इसका बढ़ते ही जा रहा है। तो इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सिंपली यहाँ वर्कर पाइएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि लेबर रजिस्ट्रेशन, तो इसको सिंपली आपको ओके कर देना। जैसे ओके कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से ये पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पर जनपद आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट से है वो डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर पे आपको यहाँ पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल के यहाँ करना है, प्रमाणित करे पे ओके करना है। मोबाइल नंबर डालते ही यहाँ आपको बोला जा रहा है कि OTP भेजा, आपको यहाँ OTP ओके कर देना है। यहाँ आपको OTP आएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो आधार कार्ड पर दिए थे, यहाँ OTP भेज दी गई है। जो भी OTP आपको आया वो OTP यहाँ पर डालना, चलिए मेरे केस में आ गया है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ OTP। OTP डालने के बाद सिंपली करना है प्रमाणित, प्रमाणित करने के बाद यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर सत्यापित हो गया है। इसके बाद आपको सिंपली कर देना है यहाँ पे सबमिट। सबमिट करते ही यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ये पोर्टल ये ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका लॉगिन आईडी और ये आपका पासवर्ड जो दे दिया गया है, ये लॉगिन आईडी और ये पासवर्ड आपको सेव करके रख लेना है। ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है आपके मोबाइल नंबर पर ही सेंड कर दिया गया होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली गो टू लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही यहाँ आपका यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ डाल के यहाँ पर सिंपली कर देना है लॉगिन। लॉगिन करते ही देखिए यहाँ पे आपका जो बोल रहा है पासवर्ड सेव करने के लिए नेवर, चलिए मैं नेवर कर देता हूँ। यहाँ आपका पोर्टल में आपका स्वागत है, यहाँ पोर्टल पर ओपन हो गया है। इसके बाद यहाँ देखे हैं सिंपली जो है श्रमिक पंजीकरण, यहाँ बोल रहा है पंजीकरण फॉर्म, आपको सिंपली इसको ओके कर देना है। आपके सामने ये पूरा फॉर्म आ जाएगा, ये फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तो ये सब जितना फॉर्म है ये आप पूरे फॉर्म को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे पूरा फॉर्म आ गया है। आपको इस फॉर्म को बहुत सावधानी और स्टेप बाय स्टेप आप इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। ये फॉर्म आपको हिंदी में फिलअप करना है, देखिए लिखा भी आ रहा है हिंदी में। टाइपिंग करने के लिए हिंदी टूल को डाउनलोड करते हैं, आपको मोबाइल पर अगर टाइपिंग करना है तो हिंदी टूल का भी उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको हिंदी में ही टाइपिंग करना है और मोबाइल पे आप टाइपिंग करने के लिए गूगल हिंदी टाइपिंग टूल डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप में इसको फॉर्म को भर रहे हैं तो यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर लेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये सॉफ्टवेयर 9 MB का है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद देखिए मेरा ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है, सिंपली सॉफ्टवेयर पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कर लेंगे अपने डेस्कटॉप पे। तो चलिए मैं इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये बहुत छोटी सी सॉफ्टवेयर है, आप बहुत ही आसानी से ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए मेरा ये सॉफ्टवेयर बहुत ही सिंपल आसानी तरीके से इंस्टॉल हो गया है, मैं इसको फिनिश भी कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद हमको इसको यस कर देता हूँ।
तो मैं पहले ही बताया हूँ कि मोबाइल पे आप अगर यूज कर रहे हैं तो आप गूगल इनपुट टूल का उपयोग करेंगे, और लैपटॉप पे तो आपको यहाँ से सिंपली डाउनलोड करके इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पर देख रहे हैं हिंदी इनपुट टूल है तो आपको इसको उपयोग करना है यहाँ पर टाइपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉर्म में आपको साफ क्लियर कर दिया है कि कौन इंग्लिश में डालना है कौन हिंदी में। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ श्रमिक का नाम डालना है वो इंग्लिश में डालना है, इसके बाद यहाँ श्रमिक का नाम हिंदी में डालना है, इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि पिता पति का नाम इंग्लिश में डालना है, यहाँ पर आप हिंदी में डालना है। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि अगर मोबाइल पर आप यूज़ कर रहे हैं तो गूगल इनपुट टूल का यूज़ करेंगे और लैपटॉप पर करेंगे तो यहाँ से डाउनलोड के करके यहाँ जो इंस्टॉल हो गया है तो देखिए यहाँ पर आ गया है गूगल इनपुट टूल। तो यहाँ से आप इसको सिंपल तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं इंग्लिश में डाल दिया, इसके बाद आपको हिंदी में यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हिंदी का आप टाइपिंग कर लीजिए। तो आप देखिए जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश में टाइपिंग कर दिया, यहाँ हिंदी में टाइपिंग करने के लिए मैं यहाँ पे टाइपिंग कर रहा हूँ देखिए। तो यहाँ देखिए आप ऊपर भी यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे ये टाइपिंग हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे से आप सिंपली मैं बता दिया हूँ तो यहाँ पे गूगल इनपुट टूल का मैं यहाँ से उपयोग कर रहा हूँ गूगल इनपुट टूल का। तो देखिए यहाँ पे ये हिंदी में ये टाइपिंग है, जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश में टाइपिंग कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर मैं यहाँ पे इंग्लिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक हिंदी में आ रहा है वो, और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैं सिंपली आपको यहाँ पर टाइपिंग करके बता देता हूँ। देखिए मैं जैसे यहाँ पे टाइपिंग किया हूँ, चलिए मैं यहाँ पे टाइपिंग करता कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे ये टाइपिंग इंग्लिश में हिंदी में होके लिखा है, चलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश में टाइपिंग कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे सिंपली ये हो गया, जैसे मैं यहाँ पे इंटर मारूँगा तो डायरेक्ट ये जो है डायरेक्ट इसमें आके ऐड हो जाएगा। जैसे मैं देखिए इंटर मारा तो इसमें ये डायरेक्ट ऐड हो गया, आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होगा। चलिए मैं यहाँ पर फटाफट से टाइपिंग कर लेता हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ टाइपिंग किया इंग्लिश में तो वहाँ पर देखिए वहाँ पर टाइपिंग हो रहा है इंग्लिश में और बगल में हिंदी हो रहा है। जैसे मैं इंटर मारूँगा तो जनट्रैक्ट इसी में ये जो है इसी में आके ऐड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ इंटर मारा देखिए यहाँ पे ये आके ऐड हो गया। तो आप इसी तरह से आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पिता पति का नाम डालना है इंग्लिश में, यहाँ पर माता पिता का अंग्रेजी में नाम डालना है, वही यहाँ इंग्लिश अंग्रेजी एक ही होता है। यहाँ पर जो पिता पति का नाम जो है वही यहाँ पर आपको हिंदी में डालना है, और ये माता का नाम अंग्रेजी में, तो वही यहाँ पर आप हिंदी में टाइपिंग कीजिएगा। इसके बाद यहाँ देखे हैं कि आप प्रकार है, तो ये यहाँ पर आप प्रकार का जो चूज कर सकते हैं कि ये जो काम जो करते हैं, तो यहाँ पर अपना काम पर चूज कर लेंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी लिस्ट दी गई है, जो भी आप काम करते हैं इसमें से आप चूज कर लेंगे कि आप सब काम कौन सा करते हैं। तो इसी हिसाब से आप यहाँ पर काम यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आपको क्या काम क्या करते हैं। यहाँ पर आप लिंग चूज कर लेंगे कि पुरुष है महिला है, जो भी यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद इस देख रहे हैं कि जन्म तिथि यहाँ से आप इसको चूज करके लिख टाइपिंग करके डाल सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं वैवाहिक स्थिति शादीशुदा है या अविवाहित है, विधवा है, विधुर है, जो भी है, तो यहाँ पर आप इसको चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखे वो आयु दो डेट ऑफ बर्थ में, इसके बाद जो भी आयु आपका जो है वो आयु यहाँ पर आपको टाइपिंग कर देना है। जाति यहाँ पर डाल लेना है कि पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, जो भी है, तो यहाँ से आपको सिंपली यहाँ से डाल लेना है। यहाँ पर आपका एक वैलिड ईमेल आईडी दे देना है, और यहाँ आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो राशन कार्ड नंबर है तो वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और ये स्टार वाला जो देख रहे हैं इसको तो आपको भरना ही भरना, जो स्टार लगा हुआ है देख रहे हैं रेड मार्क का स्टार लगा हुआ है, वो तो आपको हर हाल में भरना ही भरना है। तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर आपको टाइपिंग नहीं हुआ हिंदी में होगा तो आपको यहाँ से सिंपली आपको इंग्लिश टाइपिंग चूज कर लेंगे, यहाँ से जाकर हम इंग्लिश चूज कर लेंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पर हम टाइपिंग कर देंगे जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मैं यहाँ पर टाइपिंग कर देता हूँ। इस तरीके से आप यहां पर डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं, जो भी आप डेट ऑफ बर्थ है तो इस हिसाब से यहां से आप चूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूं। तो यहां पर सिंपली टाइपिंग कर दीजिए जो भी आपका डेट है, तो उस हिसाब से यहां पर आप टाइपिंग कर दीजिए, यहां पर ऐसे टाइपिंग करिए जो भी डेट है। देखिए आपका आयु ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। तो इसी हिसाब से आप यहाँ पर इंग्लिश करके यहाँ पर इंग्लिश का हिंदी हिंदी करके आप बहुत ही सारे से यहाँ पर आप टाइपिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नियोजक का नाम एवं पता डालना है, मतलब जिसके पास आप काम करते हो उसका नाम और पता डालना है, और वहाँ जो नियोजक जिसके पास काम करते हो उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपको हिंदी में यहाँ पर टाइपिंग करना है, तो मैं सिंपली बता दिया हूँ पहले कि यहाँ पे आप हिंदी चूज कर लेंगे, और इंग्लिश में अगर टाइपिंग करना है तो यहाँ पे इंग्लिश चूज कर लेंगे। सिंपली यहाँ से हिंदी इंग्लिश आप करते रहिएगा तो यहाँ पर आपका टाइपिंग होता रहेगा। इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ देखेंगे आपका अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर डाल देना, जैसे यहाँ पे मकान नंबर, गली मोहल्ला, कस्बा नंबर, इसके बाद पोस्ट ऑफिस कहाँ है, थाना कहाँ है, इसके बाद जनपद, अब जिला आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ ही गया है। यहाँ पर तहसील चूज कर लेना, तहसील कहाँ है उस हिसाब से अपना तहसील चूज कर लेना है। यहाँ पर नगर है, विकास खंड है, जो भी है, तो यहाँ से आपका नगर विकास खंड कितना में पड़ता है तो वो हिसाब से यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसके बाद वार्ड जो कितना है आपका यहाँ पर, ये आपका वार्ड चूज कर लेना है यहाँ से।
तो यहाँ से आप सिंपली इसको वार्ड चूज कर लेंगे, जहाँ भी आपका वार्ड है तो आपको यहाँ पर वार्ड चूज कर लेना है, यहाँ से आपका तहसील चूज कर लेना है और यहाँ पर आपको पिन कोड चूज करके डाल देना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नगर और विकास, तो अगर शहर में रहते हैं तो नगर, अगर गाँव में रहते हैं तो विकास पर आपको क्लिक करना है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस डालना पड़ेगा, जैसे मकान नंबर, गली मोहल्ला नंबर, पोस्ट ऑफिस, थाना। इसके बाद यहाँ पर राज्य आपको चूज कर लेना है, नगर गांव शहर से है, गांव से है। इसके बाद जनपद चूज लेना, जिला चूज कर लेना है, वार्ड गांव का वार्ड चूज कर लेना है, कितना वार्ड पड़ता है, तहसील चूज कर लेना है, यहाँ पर पिन चूज कर लेना है। अगर आपका यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर का पता और नीचे का पता सेम है तो यहाँ सिंपली आपको करना है चेक मार्क। तो ये जो ऊपर में आप फिलअप किए हुए हैं, ये जो ऊपर में फिलअप करेंगे वो नीचे में आपका ऑटोमेटिक ये ले लेगा। अगर अलग अलग है तो यहाँ पर सिंपली इसको अनमार्क कर देंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आया, यहाँ बताया जा रहा है कि आप पिछले 12 महीनों में कितने दिनों काम किए हैं, वो आपको पूरा यहाँ पे जितने दिन काम किए वो आपको यहाँ पर डाल देना है। आप जो ये लेबर कार्ड बनवा रहे हैं वो आप कितने सालों के लिए बनवा रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, अगर जितने साल के लिए बनवा रहे हैं उस पर आपको यहाँ पे चेक मार्क कर देना है, इसे चेक मार्क कर देना, जितने सालों के लिए बनवा रहे हैं तो इसको इस तरह से आपको यहाँ पे चेक मार्क कर देना है। चलिए मैं 1 साल के लिए बनवा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 1 साल के लिए चेक मार्क कर देता हूँ। पहले जो यहाँ पे जो लेबर कार्ड बनवाने के लिए यहाँ पर 50 रुपीस लगते थे 3 सालों के लिए, तो अभी देख लीजिए अभी आपको 1 रुपया नहीं लग रहा है और 0 पैसा है, और यहाँ 20 रुपया पंजीकरण के लगते थे तो अब यहाँ पे 0 रुपया लग रहा है, क्योंकि मैं पहले भी फॉर्म भरता था तो यहाँ पे 0 20 रुपया और यहाँ 50 रुपया लगता था। आप देख रहे हैं कि आप 3 साल के लिए आप कर रहे हैं तो 0 रुपया लग रहा है, 2 साल के लिए भी आप करेंगे तो भी आपको 0 रुपया, यहाँ भी 0 रहेगा, आपको पंजीकरण के लिए भी 1 रुपया नहीं लगेगा, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे और आप अपना इसका लाभ बहुत ही आसानी से यहाँ से फॉर्म फिलअप करके उठा सकते हैं। आप देख रहे हैं 0 पैसा 0 पैसा, मतलब आप पहले लगता था 20 रुपया 50 रुपया, बट अब 1 रुपया भी नहीं लग रहा है, 0 पैसा है, तो आप फ्री में इसको कार्ड को बनवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप नॉमिनी किसे बनाना चाहते हो, नॉमिनी का नाम डाल देंगे, यहाँ पर नॉमिनी का संबंध आपका क्या है, पुत्र है, पुत्री है, पति है, पिता है, माता है, भाई है, बहन है, जो भी है, तो ये वो यहाँ से आपको सिंपली करके यहाँ से चूज कर लेना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप मनरेगा में काम करते हैं, अगर काम करते हैं तो यहाँ चेक मार्क करेंगे और अगर काम नहीं करते हैं तो यहाँ सीधे अनचेक कर देंगे, इसको चेक नहीं करेंगे। अब नॉमिनी का नाम यहाँ पर आपको इंग्लिश में टाइप कर देना, तो टाइप करने के लिए हिंदी इंग्लिश के लिए मैं यहाँ से बता दिया हूँ कि यहाँ से जाके आप हिंदी इंग्लिश में आप टाइपिंग कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पर खाता संख्या डालेंगे या यहाँ आई एफ सी कोड डालेंगे, इसके बाद बैंक में आपका क्या नाम है वो डालेंगे, बैंक की शाखा का नाम यहाँ पर डालेंगे और बैंक के खाता के प्रकार यहाँ से चूज कर लेंगे कि चालू खाता है, बचत खाता है, जनधन खाता है, जो भी है यहाँ से आप चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे, डिक्लेरेशन देखना देना होगा, घोषणा करनी होगी यहाँ पर आपको कि जितनी भी डिटेल मैं यहाँ पर दी है बिल्कुल सही दी है, तो आपको यहाँ सिंपली चेकमार्क कर देना है। पिछले 12 महीनों में मैं 90 दिनों तक काम किया है और मैं 12 महीनों में कहीं भी और दूसरी जगह रजिस्ट्रेशन नहीं किया हूँ, तो मैं सिंपली इस पर टिक कर देता हूँ। अगर पहले से किसी और बोर्ड में आपका नाम है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर उसका यहाँ पर उसका नाम डाल देना है। जैसे आप बिहार से हैं और यूपी में रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं तो आप बिहार में रजिस्ट्रेशन कराए हैं वहाँ पर वो यहाँ पर आप उसका नाम डाल देंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, देखिए यहाँ पे आपको 3 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, 4 डॉक्यूमेंट यहाँ दे रखा है, तो जैसे यहाँ पे आधार कार्ड दे रखा है, बैंक का पासबुक यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको नियोजन प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई नियोजन की लिमिट नहीं है, मैं इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करके डाल सकते हैं। इसके बाद सेवा प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा और सिंपली ये जो अपलोड करना पड़ेगा तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि डाउनलोड है, इस पर जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप ये फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर लिंक भी दे दिया है, इस लिंक पर जाके आप फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे बोला जा रहा है कि अगर आवेदक जो है उसका पता जो है पूर्ण होगा, सही होगा, तो देख रहे हैं कि उसको 3 दिन के भीतर विभागीय वेबसाइट के पोर्टल द्वारा स्वीकृत कर लिया जाएगा जो कि डीम्ड होगा। इसके बाद आपको सिंपली कर देना है सबमिट एंड पे पर ओके कर देना है। यहाँ बोल रहा है कि प्रोसेस ऑफ पेमेंट, तो ओके करने के बाद देख रहे हैं कि कुछ आपको इस तरह से ये पेज फिर दोबारा से ये ओपन होके आ गया है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारा डिटेल यहाँ पर टाइपिंग करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि यहाँ चूज फाइल, तो आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करनी है तो यहाँ पे सिंपली फ़ोटो को आप अपलोड कर दीजिए। जो देख रहे हैं कि आप यहाँ पे JPEG PNG में आपको होना चाहिए और JPEG में आपका ये फ़ोटो अपलोड होनी चाहिए और ये जो फ़ोटो जो है इसके साथ 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगी। तो चूज फाइल पर जाके यहाँ से आप अपना फोटो को यहाँ पर अपलोड कर लीजिए।
तो आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से पूरा फॉर्म जो आपका फिलअप होकर आ चुका है और सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो अपलोड होने के बाद आप सिंपली यहाँ पर कर देना है पे नाउ पे क्लिक। तो यहाँ पे जैसे पे नाउ का ऑप्शन है, पे नाउ जाएगा, पहले पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और आपका जो बैंक अकाउंट है नेट बैंकिंग वो ऑप्शन, वो वहाँ जाकर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करके आप सिंपली पेमेंट कर सकते हैं और इस तरीके से आपका फॉर्म बहुत ही आसानी से यहाँ से फिलअप हो जाता है। इसके बाद पेमेंट करने के बाद यहाँ पंजीकरण पाएगा, यहाँ देखते हैं पंजीकरण सर्टिफिकेट। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से अपना पंजीकरण यहाँ से देख सकते हैं कि ये पंजीकरण आपका जो है नोट वैलिड है, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी पेमेंट नहीं किया हूँ इसीलिए नोट वैलिड है। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपको यहाँ पर जो यहाँ पंजीकरण है वो आपका वैलिड दिखा देगा और यहाँ पर आपका नाम दिखा देगा और यहाँ पर जो पता पति के नाम है वो और ये यहाँ पर आपका फ़ोटो दिखा देगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि पासवर्ड, तो यहाँ से आप अपना जाके पासवर्ड भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और यहाँ पर मैं तो पेमेंट नहीं किया तो बता रहा, और जो भी पेमेंट कर भी देता है तो वो यहाँ पर ऐसे ही नोट आर यू आर नोट वैलिड मतलब ऐसे बोलते रहता है। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये आपका सिंपली हो गया रहता है। और यहाँ पर जैसे एक्सेप्ट हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा देगा वैलिड, तो इसीलिए आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, यहाँ पर वैलिड दिखा देगा आपको। इसको अगर चाहते हैं कि नहीं हम पासवर्ड बदलेंगे तो यहाँ पर अपना पुराना जो पासवर्ड है वो इसके बाद यहाँ नया पासवर्ड डालेंगे, आप फिर से नया पासवर्ड यहाँ दर्ज करने के बाद यहाँ पर सिंपली कर देना आपको सबमिट, तो आपको जो नया पासवर्ड रखेंगे वो आपका पासवर्ड हो जाएगा। इसके बाद सिंपली आप यहाँ से लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपने यूजर नेम और यहाँ पर जो आपका पासवर्ड है वो डाल के यहाँ पर सिर्फ लॉगिन करेंगे। तो अगर आपका पासवर्ड इस तरह से लॉगिन जो बता रहा है इनवैलिड लॉगिन जो ये लिखा के आ रहा है, अगर इस तरह से आपका लिखा के आ रहा है तो आप बैक जाएंगे इसी वेबसाइट पे। बैक आने के यहाँ पर श्रमिक देखिएगा, यहाँ लिख रहा है श्रमिक पंजीकरण, तो आपको इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है, यहाँ अपना जनपद चूज कर लेना है, यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ फिर से OTP डाल के आपको सबमिट कर देना है सबमिट, तो यह आपका लॉगिन हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी लॉगिन हो सकते हैं या सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं कि गो टू लॉगिन, यहाँ सिंपली ऐसे गो टू लॉगिन करेंगे तो आप इसी वेबसाइट पर हो जाएंगे। फिर से अपना यहाँ पर यूजर नेम यहाँ पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसे इस पे पासवर्ड डाल के यहाँ लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही यहाँ पर अपने पोर्टल पर यहाँ देख रहे हैं कि सक्सेसफुल आप लॉगिन हो गए हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल और स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। मजदूरों के लिए, लेबर के लिए जितने भी योजनाएं निकलती है आप सिर्फ यहीं से ही इस योजना को आवेदन पत्र देख रहे हैं, यहाँ से आप सिंपली इसको आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप उस योजना का फिलअप करके आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।